हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आपका बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और आपको काफ़ी ज़्यादा तनाव भी हो रहा है बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर, और आपकी अभी तक जो तैयारी वो 0% हुई है, यानी अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही कि मैं समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें, क्या करें, कब पढ़ें, किस टाइम से पढ़ें, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आपको अगर इस वीडियो को देखते हो तो आप पास ही नहीं बल्कि अच्छे नंबर ला सकते हो, क्योंकि ये वीडियो आपके उन पहलुओं पे आधारित है जो आप नहीं करते हो एग्ज़ाम के दिन में, और आपको काफ़ी ज़्यादा तनाव हो जाते हैं। तो देखो, 100% गारंटी है कि आप पास हो जाओगे, बस आपको ये काम करना है, ठीक है। एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या पढ़ें पास होने के लिए, बोर्ड परीक्षा में पास होने का जो ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, कहा गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। यार, इस मुश्किल घड़ी में आपका केवल व केवल टारगेट कोशिश करना होना चाहिए, वो भी अपने एग्ज़ाम को लेकर। अब आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर व टॉपिक को पढ़ें। जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन बैंक को देखते हैं तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, आपको इस तरह से पता चल जाता है कि ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्ज़ाम में आना तय है, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है और बार बार प्रैक्टिस कर लेना है, बिल्कुल अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो यही बात है कि अब आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर वो टॉपिक को ही पढ़ें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, और वही टॉपिक पढ़ना है जो लगातार आपकी बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो किस तरह से पता चलेगा कि वो क्वेश्चन लगातार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उसमें दिखा देगा कि 2021, 2022, 2023, 2024 इस तरह से इसमें ये पूछे गए हैं। तो आपको उन टॉपिक को ही तैयार कर लेना है। अब इसकी बात कर लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल वो फार्मूले को तैयार कर लेना। अब देखो, यहाँ पे टॉपिक को समझने वाली बात है, क्या समझने वाली बात है कि सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल, आपको न्यूमेरिकल देखना है कि वो न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछे गए, और इस टाइप के न्यूमेरिकल कितने बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो न्यूमेरिकल को तैयार कर लेना वो फार्मूला। अब देखो, न्यूमेरिकल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो है फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट क्यों हो गया न्यूमेरिकल से ज़्यादा, क्योंकि अगर आप फार्मूला आपको पता है, अगर बोर्ड एग्ज़ाम में फार्मूला एक पता है तो आप न्यूमेरिकल लगा सकते हो। अगर आपको फार्मूला पता है, अगर न्यूमेरिकल लगाना नहीं आता है, तो आप केवल व केवल फार्मूला को पुट कर देंगे। यार गाइस, वहाँ पे आपका अगर 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का अगर आपका न्यूमेरिकल है, तो उसमें आपको 1 या 1.5 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो आपको फिजिक्स या न्यूमेरिकल के, जो फिजिक्स या साइंस होते हैं, उनके न्यूमेरिकल को तैयार कर लेना, साथ ही साथ उनके फार्मूले को भी तैयार कर लेना। हमारे फार्मूला इस चैनल पे अवेलेबल, आप वहाँ से जाकर देख भी सकते हो। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण जो फार्मूला, उसको तैयार जरूर से जरूर कर लेना है, ठीक है। इससे आपको कई चीज़ें का अनुभव हो जाता है, एक्सपीरियंस मिल जाता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी एक्सपीरियंस मिलता है। तो आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व कर ही लेना है, और प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर को भी आपको देख लेना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो क्वेश्चन बैंक के थोड़ा थोड़ा कर पार्ट को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी वो भी काम आता है। क्यों काम आता है वो मैं आपको बताऊँगा। अब आपका जो विषय पहले है, ठीक है, अगर आपका जैसे हिंदी हो गया, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका पहले दिन है, तो अब देखो उसकी जो विषय पहले दिन, उसका रात दिन में मेहनत करो, ठीक है। उसका आप यार जानो कि जिंदगी भर वो रिजल्ट मुझे अपने जीवन के साथ रखना है, और उससे खिलवाड़ आप कर रहे हो तो जानो कि आप अपने जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो, ठीक। तो आपको उस विषय को दिन और रात मेहनत करके पढ़ाई करना है, क्योंकि आप उसमें अच्छे मार्क्स लाओ। अगर यार कुछ भी नहीं कर सकते तो क्वेश्चन बैंक को एक बार फटाफट पढ़ डालो, अगर क्वेश्चन नहीं आता तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें आपको आती है उसमें अगर लिखोगे तो। अब इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है, एक नजर मॉडल पेपर वो पुराने बोर्ड परीक्षा के पेपर को भी देख लेना है, ठीक है। आप एक नज़र मॉडल पेपर को भी देख लेना, इसलिए देखना है यार मॉडल पेपर को, कि आपको टाइप पता चल जाएगा कि कितने टाइप का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आ रहा है, अति लघु, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी,
और अति दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो किनके कितना क्वेश्चन लिखना है ये भी आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, जैसे एक मार्क्स के हैं तो कितना आंसर लिखना है, पता चला आप एक मार्क्स की ही आधा पेज आंसर लिख दिए तो इससे आपका क्या होगा, टाइम का भी वेस्टिंग होगा और साथ ही साथ आपको जितना भी लिखोगे एक ही मार्क्स मिलेगा, उससे ज़्यादा तो मिल नहीं सकता। तो इन सब चीज़ों से पुराने बोर्ड परीक्षा के पेपर को भी कभी देख लो। ठीक है, इसको भी अगर देखते हो तो कुछ आपको आइडिया मिल जाते कि यार इस समय जो है इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में और इसी तरह के मैं इस क्वेश्चन को तैयारी भी करूं। तो ये सब चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हो तो यार बोर्ड एग्जाम में पास ही नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर करना है और क्वेश्चन बैंक को यार पढ़ लो, अगर कुछ ना समझ में आए तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उससे रिलेटेड अगर वो मिलता है तो वहाँ पे उस आंसर को लिख दो। लेकिन चीज़ें ध्यान देना है कि जो जितने मार्क्स का उतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, आपका टाइम की भी वेस्टिंग होगी और आपको उससे ज़्यादा नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों को अगर आप क्लियर करते तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।